हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना खिचड़ी, जिसके लिए हमें लगेगा साबूदाना, नमक, पीनट्स और मिर्ची। साबूदाने को हमने 4 घंटे पहले भिगोया था। देखिए आप ये कैसे खुला खुला बना है। और ये पीनट्स है, पीनट्स को हमने लाइट ब्राउन होने तक इसको सेका था। सेकने के बाद इसके छिलके निकाल दिए, तो अब ये इस तरह कुछ है। तो चलिए अब हम इन्हें पीसते हैं। देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। तो अभी हम मिर्ची पीसने जा रहे हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ शिंगदाना ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक। सभी हमें इन्हें मिक्स कर देना है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। जैसे कि आप देख सकते हो कि तेल गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे और मिर्ची आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। तीखा कितना तीखा चाहिए हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना और शिंगदाना जो अभी हमने इसमें मिक्स किया था। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अभी हमें इसे 10 मिनट्स तक पकाना है हाई। अभी ये बनकर तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।